Hi there everyone, welcome back to Orthopedic Lecture Series. This is Ishant Kumar Arora. Welcome to 5 Pain Solution where your health is our priority. So, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो थी हमारी सीरीज की लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने डिस्कस किया था एनाटॉमी ऑफ बोन एंड फ्रैक्चर हीलिंग के बारे में हमने पढ़ा था. डिफरेंट जो टाइप की फ्रैक्चर हीलिंग थी, कैंसिलस बोन में और कॉम्पैक्ट बोन में. और इस वीडियो को जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया है, इसमें हम डिस्कस करेंगे स्प्लिंट्स और ट्रैक्शन के बारे में. तो आइए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आपको इसमें नाम, जो चैप्टर का नाम से पता चल रहा है, टॉपिक के नाम से, दैट इज स्प्लिंट्स. सो स्प्लिंट्स क्या चीज होती है? स्प्लिंट एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है या फिर एक डिवाइस होता है जो कि हेल्प करता है प्रोटेक्शन में और इमोबिलाइजेशन में. बेसिकली अगर हम बात कहें, सब लेट्स से किसी को फ्रैक्चर हुआ है रेडियस में या फिर अल्नर में कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो या किसी भी प्लेस पे कोई फ्रैक्चर होता है तो उस जगह की जो बोन है वो अपने अलाइनमेंट से अलग हो जाती है. सपोज पहले एक सिंगल पीस ऑफ बोन था, अब फ्रैक्चर होने के बाद ये दो पीस अलग हो गए, ये एक फ्रैगमेंट अलग. अब इसके बाद क्या होता है, जो सराउंडिंग मसल्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली पेन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है बहुत स्पीड से. और कॉन्ट्रैक्शन का फायदा ये होता है, इससे वो कहते हैं गार्डिंग ऑफ मसल. वो कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट करता है इसके मूवमेंट को, क्योंकि जितना ज्यादा फ्रैक्चर सेगमेंट एक दूसरे से और मूव करेंगे टूटने के बाद, उतना ज्यादा जो सराउंडिंग नर्व है उनपे इरिटेशन होगा, उतना ज्यादा पेन क्रिएट होगा, उतना ज्यादा डिस्कम्फर्ट होगा पेशेंट को. साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर बोन के ऊपर से पास हो रहे हैं, लाइक योर वेस्कुलर स्ट्रक्चर, न्यूरल स्ट्रक्चर, नर्व जा रही है, कोई वेसल जा रही है, अगर आप एक फ्रैक्चर होने के बाद उसको इमोबिलाइज नहीं करेंगे जिस पोजिशन में वो है, और वो और हिलता रहेगा या फिर और मसल फोर्सेस की वजह से आगे या पीछे ओवरराइड करेगा, तो ये भी हो सकता है जो उसके शार्प एंड है वो नर्व को इंजर कर दें या वेसल को इंजर कर दें. तो पहले तो आप फ्रैक्चर के साथ था एक पेशेंट, अब उसके साथ साथ और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दी, ठीक है, उसकी वजह से प्रोग्नोसिस और बैड हो गया. तो इसलिए स्प्लिंट्स का यूज किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए या फिर स्टेबलाइजेशन के लिए यूज करते हैं स्प्लिंट्स को. और स्प्लिंट वर्ड का मतलब यही है कि स्प्लिंट करना, इमोबिलाइज करना, और एक तरह से प्रोटेक्शन देना और एक स्ट्रक्चर को पर्टिकुलर एक एटीट्यूड में मेंटेन करना. तो डिफरेंट टाइप के स्प्लिंट्स अवेलेबल होते हैं, उनका यूज हम कर सकते हैं आइदर फॉर टेम्पररी इमोबिलाइजेशन. टेम्पररी जैसे कि किसी को एकदम से रोड साइड पर फ्रैक्चर हुआ है, आप उसको इवन अगर लेट्स से किसी को रेडियस का फ्रैक्चर हुआ है, आप इवन न्यूज़पेपर का बाइंडिंग यूज कर सकते हैं, अम्ब्रेला यूज कर सकते हैं, वुड यूज कर सकते हैं, उसको यहाँ रख के और आप बाइंड कर सकते हैं. एक उसे कहते हैं टेम्पररी स्प्लिंट का यूज कर सकते हैं, टेम्पररी इमोबिलाइजेशन, जिसकी वजह से फ्रैक्चर सेगमेंट मूव ना करें. मूव करेंगे तो उतना ज्यादा मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा, उतना पेन होगा, उतनी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो इसको कहते हैं स्प्लिंट. अब स्प्लिंट भी डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट स्प्लिंट्स यूज होते हैं, और कुछ स्प्लिंट्स का यूज ट्रैक्शन अप्लाई करने भी होता है. ट्रैक्शन क्या होता है? पुल करना. अब हमें पता है कि जब भी कोई फ्रैक्चर सेगमेंट या फ्रैक्चर होता है तो उसकी सराउंडिंग जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. हर मसल का कहीं ना कहीं इंसर्शन है, तो जहां पे उस मसल का इंसर्शन होता है वो उस सेगमेंट को अपनी तरफ पुल करेगी, और जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगी. तो एक ट्रैक्शन और काउंटर ट्रैक्शन, उसकी वजह से जो बोन सेगमेंट है उनकी अलाइनमेंट बिगड़ जाती है. सपोज पहले फ्रैक्चर होने के बाद बोन ये थी, अब मसल पुल की वजह से कोई ये फ्रैगमेंट ऊपर उठ गया और ये फ्रैगमेंट ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया, लेट्स से नी जॉइंट ऐसे, ठीक है. तो इस वजह से हमें ट्रैक्शन का यूज करना पड़ता है टू काउंटर द मसल फोर्स. अगर मसल फोर्स को काउंटर नहीं करेंगे तो फ्रैक्चर रिड्यूस कैसे करेंगे? रिड्यूस करने का मतलब जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में देखा, रिडक्शन का मतलब होता है अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर साइड फ्रैक्चर एंड्स को अपनी जगह में वापस लाने का मतलब होता है रिडक्शन या फिर रिड्यूस, कहते हैं रिड्यूस करना. फ्रैक्चर को रिड्यूस करना मतलब जो उसकी अलाइनमेंट पहले थी उसको उस जगह में वापस लाना. तो रिड्यूस करने के लिए अगर कोई फ्रैगमेंट पहले टूटने के बाद ऐसे चले गए तो उन्हें वापस खींचना पड़ेगा मसल पुल के अगेंस्ट. उसमें आप क्या करेंगे, उसमें ट्रैक्शन लगाना पड़ेगा आपको. ट्रैक्शन मतलब पुलिंग अपार्ट, एक दूसरे से दूर खींचना, ठीक है, ये होता है ट्रैक्शन. और ट्रैक्शन भी आप लगा सकते हैं स्प्लिंट्स का यूज करके. डिफरेंट टाइप के स्प्लिंट्स आते हैं जो डिफरेंट कंडीशंस में यूज होते हैं. कुछ नर्व इंजरीज की वजह से कुछ सर्टेन डिफॉर्मिटी आ जाती है हमारे फिंगर्स में, हैंड्स में, या फिर लेट्स से एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट, बहुत सारी डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, लाइक रिस्ट ड्रॉप और क्लो हैंड एक्सेट्रा, या फुट ड्रॉप देखने को मिलता है कॉमन पैरेलल नर्व इंजरीज में. तो उनके लिए भी स्प्लिंट आते हैं जो मेंटेन करने में हेल्प करते हैं उनकी पोजीशन को, जिससे कि कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन ना हो जाए. तो ये कुछ यूजेज होते हैं जिनमें हम स्प्लिंट्स का यूज करते हैं. और कॉन्ट्रैक्चर का मतलब यहाँ पे क्या है, लेट्स से आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि जब भी कोई एक मसल ग्रुप वीक हो जाएगा या फिर उसकी नर्व सप्लाई खत्म हो जाएगी, मतलब वो एक्शन नहीं कर पाएगा, तो उसका जो डोमिनेंट या फिर उसका जो काउंटर मसल ग्रुप है, सपोज जो फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल है, इन नर्व इंजरी की वजह से आज नर्व अल्नर नर्व इंजरी हुई या मिडियल नर्व इंजरी हुई, इसकी वजह से क्या हुआ, ये ग्रुप जो है मसल का नर्व इंटैक्ट नहीं है तो फंक्शन नहीं करेगा.
तो जो इसकी अपोजिट ग्रुप ऑफ मसल है वो डोमिनेट कर जाएंगी। अब हाथ पूरा ऐसे ही रहेगा, सीधा हो ही नहीं पाएगा क्योंकि आप मसल कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए इन कंडीशन में स्प्रिंट्स का यूज करना पड़ता है जो हाथ को ऐसे रखें। अब क्योंकि अगर हाथ हमारे ऐसे ही रहेगा, रिस्ट ऐसे ही रहेगा जब तक नर्व हील होगी, इतने में तो ये मसल साइज स्ट्रेच हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्चर फाइब्रोसिस हो जाएगा इनका, और ये ऐसी की ऐसी रहेंगी और ये मसल भी काम नहीं कर पाएंगी और शॉर्टन होने की वजह से डिस्यूज एट्रॉफी हो जाएगी। डिस्यूज मतलब जब आप उसको मसल का यूज नहीं करेंगे। लेट्स इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। अगर आप कोई टॉपिक बहुत टाइम से रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आपने 6 महीने पहले पढ़ा था, क्या आपको याद होगा? नहीं। ऐसे अगर मसल को आप डिस्यूज कर दो, उसको यूज ही मत करो, तो उसकी एट्रोफी होने स्टार्ट हो जाएगी। एट्रोफी मतलब उसका न्यूट्रिशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, मसल वीक होती स्टार्ट हो जाएगी टाइमली। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए स्प्लिंट्स का यूज होता है। डिफरेंट डिफरेंट स्प्लिंट्स होते हैं, लाइक कॉक अप स्प्लिंट, नकल बेंडर स्प्लिंट एंड देयर आर मेनी। और फुट ड्रॉप के लिए स्प्लिंट यूज होता है जो प्रिवेंट करता है। बेसिकली फुट ड्रॉप में क्या होता है कि प्लांटर फ्लेक्शन हो जाता है फुट ऐसे, क्योंकि डोर्सिफ्लेक्सर वर्क नहीं कर रहे, तो उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन ना हो जाए हमारी गैस्ट्रोपनीमियस में। तो उस कंडीशन में भी हम फुट ड्रॉप का स्प्लिंट यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो कंडीशन आती है हमारी स्प्लिंट का, हमने देख लिया कि स्प्लिंट का क्या क्या यूज है। अब जो सबसे कॉमन स्प्लिंट जो बेसिकली हम यूज करते हैं हमारे ऑर्थोपेडिक में, और दैट इज द क्रैमर वायर स्प्लिंट। क्रैमर वायर स्प्लिंट क्या होता है? सपोज हमें पता चला कि किसी पर्सन को हम सस्पेक्ट हो गए कि फ्रैक्चर है, और हमें पूरा देख पा रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर डिफॉर्मिटी भी आ गई लिम में, क्योंकि बोन जो अपनी जगह से ऊपर नीचे हो चुकी है। अब हमें उसको ट्रांसफर करना है किसी अच्छी फैसिलिटी में, कि सपोज उसको एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में लेके गए हैं फिजिशियन के पास। अब फिजिशियन तो बोन ठीक नहीं करेंगे, वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ठीक करेंगे, तो ऑर्थोपेडिक के पास हमें रेफर करना है, तो उसको हम स्प्लिंट करके ले जाएंगे उस पर्टिकुलर लिम्ब को, जिससे कि उसमें फर्दर मूवमेंट ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो और पेन भी कम हो जाए। स्प्लिंट होने के साथ साथ ही पेन भी कुछ ना कुछ जरूर कम हो ही जाएगा, क्योंकि उस जो फ्रैक्चर एंड से है वो अपनी जगह पर थोड़े से वापस आ चुके हैं, और ट्रैक्शन भी देके आप उनको उनकी जगह पर वापस ला सकते हैं और उस पर स्प्लिंट लगा सकते हैं। तो क्रैमर वायर का कैसे यूज होता है? क्रैमर वायर जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे, एक गोल राउंड स्ट्रक्चर है, इसमें दो वायर सीधी सीधी होती है और उन वायर्स के ऊपर इंटरलेसिंग एल्यूमिनियम वायर जो है वो बाइंड होती है। इसको क्या करते हैं, जैसे कि सपोज यहाँ फ्रैक्चर हुआ है तो इसके चारों तरफ इसको लगाएंगे और फोल्ड कर देंगे। ये हर जो भी आप जिस लिम्ब के अराउंड लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाती है, फिर आप उसको प्रेस करेंगे और ये उसी जो लिम्ब है उसका एक तरह से मोल्ड हो जाएगी उसके साथ ही, और एक तरह से स्प्लिंटिंग प्रोवाइड करेगी और उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड करके रखेगी उस पर्टिकुलर लिम्ब को। तो इसका वायर, इस वायर का, क्रैमर वायर का जो यूज होता है वो टेम्परेरी इमोबिलाइजेशन में या टेम्परेरी स्प्लिंटेज में यूज होता है। इसके बाद एक फेमस हमारा स्प्लिंट आता है जिसको हम यूज कर लेते हैं स्टैटिक ट्रैक्शन में और फिक्स ट्रैक्शन में, जिसको स्टैटिक या फिक्स ट्रैक्शन में उसको हम यूज कर लेते हैं क्योंकि, और इस स्प्लिंट का जो है बहुत ज्यादा फेमस है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये स्प्लिंट 1875 में आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, 1875 में डॉक्टर एच ओ थॉमस ने बनाया था इसको, थॉमस स्प्लिंट भी इसका नाम रखा गया। इसका पहला यूज जो नी में टीबी के पेशेंट होते थे उनको स्टेबलाइज करने के लिए होता था। अब ट्रैक्शन अप्लाई भी किया जाता है इस स्प्लिंट से, और ज्यादातर जो फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर होता है उनके लिए इसका इंडिकेशन या फिर यूज किया जाता है। अब इसके पार्ट भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके पार्ट जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें, यहाँ पे आपको डायग्राम में, इसमें एक इनर बार होता है, एक आउटर बार होता है। जो इनर बार आप देख रहे हैं, और एक इसमें गोल स्ट्रक्चर होती है रिंग, जो रिंग होती है उसको पेशेंट को उसके अंदर लेग को इंसर्ट किया जाता है रिंग को, और रिंग जो होती है वो आती है आपकी अपर थाई तक, अपर थाई का मेजरमेंट किया जाता है, फिर उसमें 2 इंच ऐड कर इसको रिंग का साइज मेंटेन किया जाता है, क्योंकि हर पर्सन की जो साइज है लिम का वो डिफरेंट ही होगा, तो उस हिसाब से स्प्रिंट आया जाता, एडजस्ट किया जाता है बेसिकली। एंड रिंग जो स्ट्रक्चर सबसे ऊपर रिंग है, रिंग जो ओब्लीक है, और जो रिंग का एंगल है इनर वाले बार से उसका एंगल है 120 डिग्रीज, और लेटरल बार पे आपको एक कर्वेचर भी दिख रहा है जो कि इसलिए बना होता है कि जो ग्रेटर टोकेंटर है हमारे लेटरल साइड पे उसको एकोमोडेट किया जा सके। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि दो बार नीचे आ रहे हैं और वो एक यू स्टेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं डिस्टल एंड पे, जो कि आप इस पेशेंट में, इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे। तो साथ इसका यूज करके ही काउंटर ट्रैक्शन प्रोवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इशियल ट्यूबरोसिटी, ये फिक्स हो जाता है। और इसकी लेंथ मेजर करने के लिए क्या करते हैं, पहले हाईएस्ट जो पार्ट है हमारे मिडिल थाई का, जो पेरिनियम का, वहां से मेजर करके हम हील तक मेजर करते हैं, और उसमें 6 इंच और 5 to 6 इंच हम ऐड करके रखते हैं, और उसके बाद इसको बाइंड कर देते हैं, और हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। अगर पेशेंट को एक सेंटर से दूसरे सेंटर में ट्रांसफर करना है किसी को फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर है, और काउंटर ट्रैक्शन में भी और ट्रैक्शन अप्लाई करने में भी, मतलब बेसिकली ट्रैक्शन और इमोबिलाइजेशन में भी ये हेल्प कर सकते हैं, इसका यूज हम कर सकते हैं।
तो ये होता है हमारा थॉमस स्प्लिंट। एंड इसके बाद एक स्प्लिंट आता है बोलर ब्रॉन स्प्लिंट, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्प्लिंट है और उसको बहुत ज्यादा यूज देखा गया है और इट इज एज वेल इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स ऑल्सो। अब जो बोलर ब्रॉन स्प्लिंट होता है ये थोड़ा लार्ज स्प्लिंट होता है, इसका जो यूज होता है वो हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फिक्स काउंटर ट्रैक्शन का इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं होता है, मतलब कि बिना वेट के इसमें हम ट्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सेल्फ ट्रैक्शन इससे हम नहीं लगवा सकते हैं। तो एक चीज तो इसमें ये थोड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा इसका फायदा क्या है कि इसके अंदर कोई रिंग वगैरह नहीं है तो इरिटेशन कॉज भी नहीं करेगा कोई, अब क्योंकि रिंग लगाई जाती है तो उसकी वजह से ओल्ड एज पेशेंट में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर सोर बन सकते हैं बोनी मार्जिन्स पे, तो इसमें रिंग भी नहीं है तो इसका एक बेनिफिट हो गया। दूसरा इसके साथ हम तीन टाइप का ट्रैक्शन लगा सकते हैं। ट्रैक्शन कैसे, आपको इसमें तीन पुलिस दिख रही होंगी उनके थ्रू वायर पास करते हैं और एक वेट टाई कर देते हैं नीचे जो ट्रैक्शन पुल करके रखता है। जो सबसे ऊपर वाली पुली है इसका यूज करते हैं फुट ड्रॉप डिफॉर्मिटी में, क्योंकि फुट ड्रॉप ऐसे जाता है तो ये ट्रैक्शन लगा के इसको सीधा रखेगा जिससे कि कॉन्ट्रैक्चर फॉर्म ना हो। सबसे पहला हो गया ये प्रॉक्सिमल वाला वन नंबर पे है। सेकंड नंबर पे जो ये इसका जो एंगल ऑफ पुल है ये डायरेक्शन में है किसके, आपके फीमर के, तो ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्शन लगाने में हेल्प करता है फीमर शाफ्ट के फ्रैक्चर में। ये थर्ड वाला आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसमें है ये इसकी जो डायरेक्शन है वो लोअर लिम जो लोअर लेग है बेसिकली जो टिबिया वगैरह, तो टिबिया और फिबुला जो बोन है हमारे लोअर लेग में उसके ट्रैक्शन में यूज का यूज होता है थर्ड वाली जो पुली है। तो ये एक डायनेमिक लार्ज स्प्लिंट है, इसका भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बेसिकली ट्रैक्शन अप्लाई करने में और इमोबिलाइजेशन में। अब जब भी आप किसी को ये स्प्लिंट वगैरह दे रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें आपको पेशेंट की केयर भी करनी होती है कि जहां भी आपने स्प्लिंट बाइंड किया है वहां पे कोई भी अगर बोनी मार्जिन है, लेट्स से जैसे मिडिल एपिकोंडाइल होता है, लेटर एपिकोंडाइल, फुट में गर्डीज ट्यूबरकल होते हैं हमारे नी के पास या फिर गेटर टोकेंडर, तो ये सब बोनी प्रोमिनेंस निकले हुए हैं जो कि स्किन इनके ऊपर जिनके ऊपर स्किन है और स्किन में आप पल्पेट कर सकते हैं तो बोनी आपको मार्जिन दिखते हैं। अगर इनके ऊपर आपने बहुत स्पीड टाइटली बैंडेज बाइंड कर दी है तो हो सकता है कि यहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन हो जाए फ्रिक्शन की वजह से, तो आपको उनको टाइमली चेक करना है। और साथ साथ क्या देखना है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर आपने स्प्लिंट में इमोबिलाइज किया हुआ पेशेंट को या ट्रैक्शन में तो आपको उसका एक्सरे भी करा के देखना है कि जो फ्रैक्चर एंड्स हैं वो क्या इमोबिलाइज हो चुके हैं अपनी पर्टिकुलर पोजीशन में है या हिल तो नहीं गए अपनी जगह से। और जो आप बैंडेज टाइट बाइंड करते हैं स्प्लिंट के ऊपर उसको भी आपने चेक करना है, अगर वो ज्यादा टाइट हुई तो वो कंप्रेस कर सकती है अंदर नर्व्स को, वेसल्स को कंप्रेस कर सकती है, उसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको चेक करना है कि अगर वो बहुत ज्यादा ढीली बन दिया तो उसको कोई फायदा ही नहीं हो क्योंकि वो ट्रैक्शन दे नहीं पाएगी, वो पुल हो जाएगी साथ साथ, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना ही है जब आपने पेशेंट को इमोबिलाइज किया हुआ है। अब ट्रैक्शन की बात करते हैं, स्प्लिंट्स का ये इतना ही रोल था और यहाँ पे इसको यूज होता है। अब ट्रैक्शन जो होता है इनका भी यूज डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में किया जाता है। ट्रैक्शन क्या चीज होती है, ट्रैक्शन का मतलब ये होता है एक तरह से पुल करना, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी अगर दो एंड है फ्रैक्चर के जैसे ही वो फ्रैक्चर होगा तो वो मसल पुल की वजह से या ग्रेविटी की पुल की वजह से एक दूसरे से ओवरराइड कर जाएंगे या फिर मसल पुल की वजह से वो क्या करेंगे अपनी जगह से हट जाएंगे। अब उनको वापस लाने के क्या करेगा, एक आदमी इधर से खींचे और एक आदमी इधर से खींचे। अगर सपोज ये नी जॉइंट आप क्या हुआ उसे डिसलोकेशन हुआ, जो ऊपर वाला नीचे वाला पोर्शन था वो ग्रेविटी के नीचे चला गया या फिर मसल ने खींचा उसको ऊपर आ गया से, लेट्स से सपोज, और इसकी वजह से क्या हुआ कि नॉर्मल अलाइनमेंट थी वो बिगड़ चुकी है। अब इसको वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप खुद सोच के देखिए। वापस लाने के लिए एक फोर्स इस हाथ से लगानी पड़ेगी जो वापस ही लिया है और एक फोर्स इस हाथ से लगानी पड़ेगी जिसको वापस लिया है, फिर अपने अलाइनमेंट में आ जाए। अब ये आने के बाद क्योंकि फ्रैक्चर तो हुआ ही हुआ है, अब वो वापस भी अपनी जगह पे एकदम से जा सकती है, ठीक है। उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें two to three or four weeks हमें ट्रैक्शन अप्लाई करके रखना पड़ेगा कि वो अपनी जगह पर रहे, फिर यूनियन हो जाए और बोन वापस जुड़ जाए। तो हमारी दो यूज हो गए, एक तो रिडक्शन मतलब फ्रैक्चर को अपनी जगह वापस लाना पहली चीज, दूसरा उसको फिर इमोबिलाइज करके रखना, जिस पोजीशन में रिड्यूस किया है उसी पोजीशन में उसको मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ इमोबिलाइजेशन करना है बेसिकली, तो वो इसका यूज है ट्रैक्शन का। दूसरा जो इन्फ्लेम्ड जॉइंट होते हैं उनके ट्रैक्शन में भी यूज होता था कि जो एकोमोडेट कर ले जॉइंट कैविटी जो इन्फ्लेम्ड फ्लूड है जिससे कि पेशेंट को थोड़ा पेन कम हो, उसमें भी ट्रैक्शन का यूज किया जाता है। और ट्रैक्शन का यूज कॉन्ट्रैक्चर जो बन चुकी होती मसल्स जैसे कि बताया हमने आपको अभी जो बेसिकली रेडियल नर्व इंजरी में आपको देखने को मिलते हैं रिस्ट ड्रॉप या फिर आपके जो क्लो हैंड डिफॉर्मिटी है या वॉक्समैन कॉन्ट्रैक्चर है उसको प्रिवेंट करने के लिए, जो वॉक्समैन कॉन्ट्रैक्चर में आपको फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ट्रैक्शन लगाया जाता है अपोजिट डायरेक्शन में जिससे कि मसल स्ट्रेच हो जाए प्रॉपर वर्क कर सके। तो ये होता है ट्रैक्शन के डिफरेंट डिफरेंट यूज। अब आपके एक कॉमन टॉपिक आता है कि ट्रैक्शन जो है वो कितने टाइप के होते हैं। ट्रैक्शन जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक का नाम होता है फिक्स ट्रैक्शन
और एक होता है स्लाइडिंग ट्रैक्शन। फिक्स ट्रैक्शन वो ट्रैक्शन होते हैं इसमें जो काउंटर ट्रैक्शन है वो आपके एक बॉडी पार्ट से लगता है, जैसे कि हमने थॉमस प्रिंट में देखा है कि जब आपने रिंग जो रिंग लगाई है अपने थाई के ऊपर वो ईश्वर ट्यूबरोसिटी में एक तरह से आप कह सकते हैं अटैच हो जाती है उसके अगेंस्ट और नीचे आप उसको बाइंड करते हैं और काउंटर ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, सेल्फ काउंटर ट्रैक्शन। मतलब कि वो यहाँ अटैच हो गई, नीचे से आपने उसे पुल किया, मसल उसे ऊपर खींच रही है और आपने जो नीचे बाइंड किया वो उसको उल्टा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, तो एक दूसरे को खींचने की वजह से जो ऐसे हो गया था बेसिकली शाफ्ट टूटने के बाद वो अपनी जगह पे ऐसे मेंटेन्ड, ट्रैक्शन और मसल काउंटर ट्रैक्शन तो प्रिवेंट हो गई। ट्रैक्शन मतलब जिस साइड में आप फोर्स लगा रहे हैं, काउंटर ट्रैक्शन उसकी अपोजिट फोर्स, और वो दोनों मेंटेन करके रखती है अलाइनमेंट को। पहले ऐसा था ट्रैक्शन लगाया वापस आ गई और काउंटर ट्रैक्शन जैसे लगाया और दोनों अपने अलाइनमेंट में आ चुकी है, इसको कहते हैं काउंटर ट्रैक्शन और ट्रैक्शन। इसके बिना ही अगर काउंटर ट्रैक्शन नहीं होगा तो उसके बिना स्प्रिंट ट्रैक्शन का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रैक्शन अगर आप बिना काउंटर ट्रैक्शन के लगाएंगे तो ट्रैक्शन ऐसे पुल करके ले जाएगा, फायदा क्या होगा फिर उस चीज का, वो तो आपने और ज्यादा उसको डिस्प्लेस कर दिया, तो काउंटर ट्रैक्शन का ही रिक्वायरमेंट होती है। फिर पहला टाइप हुआ हमारा फिक्स टाइप ट्रैक्शन, देन सेकंड टाइप होता है हमारा स्लाइडिंग ट्रैक्शन। स्लाइडिंग ट्रैक्शन में क्या होता है आपकी पूरी बॉडी का यूज होता है एज ए काउंटर ट्रैक्शन। सपोज जैसे कि आप ये इमेज में देख पा रहे हैं एक पेशेंट है उसको बेड पे लेटाया है और उसके हमने लिम्ब पे हमने एक ट्रैक्शन लगाया गया है, और ट्रैक्शन जो है कैसे लगाया गया कि जो बेड है उसको हमने ऊपर ट्रीट कर दिया, बेड से लेग एंड जो है उसको ऊपर ट्रीट कर दिया, उसकी वजह से क्या हुआ बॉडी जो है ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रही है और इधर से हमने उसके लेग पर ट्रैक्शन बांध रखा है और वो ट्रैक्शन के नीचे बांध रखा है हमने वेट, पुली के थ्रू वेट नीचे खींच रहा है, ग्रेविटी इधर खींच रही है, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो फ्रैक्चर एंड ऐसे पहले ऐसे थे अब जैसे ही ग्रेविटी नीचे खींच रही है और वेट जो हमने बांधा है वो ऐसे खींच रहा है। जितना ज्यादा हम बेड को ट्रीट करेंगे उतना ज्यादा ट्रैक्शन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसका जो अमाउंट है ट्रैक्शन का वो इंक्रीज हो जाएगा और वो अपने अलाइनमेंट में आ जाएगा, इसको कहते हैं स्लाइडिंग ट्रैक्शन जिसमें पूरी बॉडी का यूज होता है। और फिक्स ट्रैक्शन किसका होता है एक पर्टिकुलर पार्ट बॉडी का उसका यूज होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट ही यूज होता है ना कि पूरी बॉडी का यूज होता है, तो ये डिफरेंस है फिक्स और स्लाइडिंग ट्रैक्शन में। तो इसके बाद जो अगला टाइप आता है, अगली ये दोनों टाइप हो गए हमारे किस चीज के ट्रैक्शन के, कि ट्रैक्शन किस कितने कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। अब ट्रैक्शन को अप्लाई कैसे करते हैं उसके भी दो पार्ट होते हैं, कि दो टाइप्स होते हैं कि ट्रैक्शन को अप्लाई कैसे करना है पर्टिकुलर केस में। तो उसमें ट्रैक्शन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, स्किन ट्रैक्शन होता है और स्केलेटल ट्रैक्शन होता है। जो भी हमने पहले पढ़ा फिक्स ट्रैक्शन और स्लाइडिंग ट्रैक्शन वो एक टाइप है ट्रैक्शन की, ट्रैक्शन देना कैसे है और काउंटर ट्रैक्शन आएगा कैसे, और जो ये है अब बताने जा रहा हूं ये है कि ट्रैक्शन को अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या मेथड एप्लीकेशन की। आप पेशेंट को स्किन ट्रैक्शन दे सकते हैं और आप पेशेंट को दे सकते हैं स्केलेटल ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन नाम से पता चल रहा है ये ज्यादातर यूज किया जाता है छोटे बच्चों में ही यूज किया जाता है, क्योंकि उनकी स्किन फ्रेजाइल होती है। इसमें जो काउंटर ट्रैक्शन आता है एक बाइंड कर देते हैं बेसिकली यूजिंग एक आयरन रोड या फिर एक पर्टिकुलर ल्यूकोप्लास्ट आती है उसको आप बाइंड करते हैं और उसके थ्रू ट्रैक्शन लगाते हैं। इसमें बोन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, आप स्किन के ऊपर ही बाइंड करते हैं स्ट्रैप्स को और ट्रैक्शन पुल करके रखते हैं और जो स्किन है वो काउंटर ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है। काउंटर ट्रैक्शन जो है स्किन उसके अंदर डीप फेशिया मसल ये सब कंपोनेंट जो है मेंटेन करके रखते हैं काउंटर ट्रैक्शन को, और इसे कहते हैं स्किन ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन की लिमिटेशन है कि इसमें कम ही वेट और कम ही वेट का ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, लाइकवाइज 3 से 4 kg 3 to 4 kg ही वेट अप्लाई किया जा सकता है स्किन ट्रैक्शन में, और इनका ज्यादातर यूज छोटे बच्चों में किया जाता है। और इसकी लिमिटेशन ये है अगर किसी को स्किन इन्फेक्शन है तो उस एरिया में यूज नहीं होगा, या फिर किसी पेशेंट की स्किन बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है कि वो काउंटर ट्रैक्शन होल्ड नहीं कर पाएगी, स्टेप को होल्ड नहीं कर पाएगी, तो उनमें भी स्किन ट्रैक्शन का यूज नहीं किया जाता है। और बात करते हैं अडल्ट्स की, अडल्ट्स में ज्यादातर यूज किया जाता है स्केलेटल टाइप ऑफ ट्रैक्शन। उसमें क्या करते हैं सपोज एक फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर हुआ है तो उसमें ट्रैक्शन लगाने के लिए जो हमारा अपर एंड टीबिया है उसके अंदर से एक पिन डाली जाती है, एक पिन इंसर्ट करते हैं और पिन उस पिन का नाम होता है स्टीनमैन पिन या फिर के वायर। ये दोनों स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम के बने होते हैं, इसके थ्रू एक वायर डाली जाती है, वायर को पुली में बांध के इधर से वेट को शिफ्ट किया जाता है। अब वेट उसे ऐसे खींच रहा है और इन द डायरेक्शन ऑफ शाफ्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ द बोन। तो अगर पहले जो फ्रेगमेंट थे ऐसे थे, अब ट्रैक्शन लगाया 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 ट्रैक्शन लगा के अपने का वापस आ गया, फिर ट्रैक्शन लगाया रखा और उसने ट्रैक्शन को होल्ड करके रखा। स्केलेटल ट्रैक्शन से आप अप्रोक्स 20 kg तक भी वेट अप्लाई कर सकते हैं। स्केलेटल ट्रैक्शन में आप डायरेक्टली पिन डालते हैं एक बोन में और पिन के थ्रू उसको पुल किया जाता है। अब आपने क्या करा, टिबिया में पिन डाल के आपने खींचा और टिबिया जो बोन है उसका किससे जॉइंट बनाती है, वो फिबुलर डिस्टल एंड से, जिसको नी जॉइंट कहते हैं। जब टिबिया खींचोगे तो वो भी अपने आप ही साथ में आएगा ही आएगा, क्योंकि वो दोनों अटैच हैं एक दूसरे के, जॉइंट बना हुआ है, लिगामेंट पुल होंगे। अब जो यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है बेसिकली
अब वो भी अपनी जगह डिस्प्ले रिड्यूस हो जाएगा। अब उसको आपको मेंटेन कर रखना है इसी इमोबिलाइजेशन में, किसके थ्रू? वाया स्केलेटल ट्रैक्शन। सो ये होते हैं स्केलेटल ट्रैक्शन के टाइप, बेसिकली ट्रैक्शन के टाइप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और स्केलेटल ट्रैक्शन का बेसिकली एडल्ट्स में किया जाता है। अब और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्शन होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं जिनको आप याद कर सके तो आपको फायदा होगा आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। जैसे बक्स ट्रैक्शन होता है जिसका यूज करते हैं, इट्स ए कन्वेंशनल स्किन ट्रैक्शन है। रसर ट्रैक्शन होता है जो इंट्राट्रैकेंड्रिक फ्रैक्चर में यूज किया जाता है। और आपके गैलोस ट्रैक्शन होता है जो कि फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर में यूज किया जाता है। और ऐसे ही डिफरेंट टाइप के ट्रैक्शन होते हैं, डनलॉप ट्रैक्शन जो सुपरकंडाइलर फ्रैक्चर में यूज किए जाते हैं। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है और बेसिक जो उनका बेसिक मैकेनिज्म जो है वो यही है जो मैंने आपको भी समझाया कि फिक्स ट्रैक्शन, स्लाइडिंग ट्रैक्शन। फिक्स ट्रैक्शन जब सिंगल बॉडी पार्ट का यूज होगा, स्लाइडिंग ट्रैक्शन जब फुल बॉडी का यूज होगा। और टाइप ऑफ ट्रैक्शन, अगर बोन में से कोई पिन पास करके ट्रैक्शन लगाया गया तो स्केलेटल ट्रैक्शन जिसका वेट 20 kg तक जा सकता है। और अगर स्किन के थ्रू ट्रैक्शन लगाया गया है और उसमें काउंटर ट्रैक्शन स्किन दे रही है तो उस ट्रैक्शन का नाम क्या होगा? योर बेसिकली कितना वेट लगा पाएंगे उसमें हम? 3-4 kg। तो ये हो गया ट्रैक्शन के टाइप। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक बचा है इस वीडियो को, वो है कि आपको पेशेंट की क्या क्या केयर करनी है जिसको ट्रैक्शन हमने लगाया हुआ है या पेशेंट को इमोबिलाइज किया हुआ है। तो बहुत सारे केस में देखा जाता है कि जो बोनी प्रोमिनेंस है उन पे अच्छी तरह पैडिंग होनी चाहिए। अगर पैडिंग नहीं होगी तो क्या होगा, वो बार बार टच हो रहे हैं, जैसे हील होती है आपकी, अगर वो बार बार बेड से टच हो रही है तो उसमें सोर बन सकता है। तो वहां पहले ही पैडिंग करनी होती है। पहली चीज, जो भी बोनी प्रोमिनेंस है उनकी पैडिंग होनी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा, आपको पेशेंट को टाइमली एक्सरे करा के देखना है कि जो आप ट्रैक्शन लगा रखा है क्या जो बोनी अलाइनमेंट है वो रिड्यूस है अच्छी तरह या फिर वो डिस्प्लेस तो नहीं हो गए हैं। दूसरी चीज ये चेक करनी है आपको। तीसरी चीज आपको चेक करनी है कि जो फिजियोथेरेपी आप करवा रहे हैं तो उसको माइल्ड पेशेंट को जो है आपको स्लाइट आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन करवाते रहना है जब उसको ट्रैक्शन लगा हुआ है, टू प्रिवेंट द डिस्यूज एट्रोफी। जब मसल जो है, जब पेशेंट उठ के आए 3-4 हफ्ते बाद, तो ये ना हो कि उसकी मसल सब वीक हो गई एकदम से। तो उसको आप प्रिवेंट करना है, आपको जनरल एक्सरसाइजेस करानी है पेशेंट को स्प्रिंट में जितनी हो पाएंगी। और उसके बाद का जो आपको नेक्स्ट चीज देखनी है कि जब पेशेंट लेटा हुआ तो आपको यूटीआई इसको चेक करना है, कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो जाए या चेस्ट इन्फेक्शन ना हो जाए, कॉन्स्टिपेशन, ये कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दीज आर द इल इफेक्ट्स ऑफ इमोबिलाइजेशन। तो हम इन सबको आपको चेक करना है अगर आप एक पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसको ट्रैक्शन लगा हुआ है। और साथ में आपको चेक करना है कि जो आपने, अगर बात करते हैं स्केलेटल ट्रैक्शन की, जो आपने पिन इंसर्ट करी हुई है बोन में, क्या उसके थ्रू कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है? वहां पे आपको पिन, जहां पे पिन डाली हुई है, अगर वहां टच करने में पेन हो रहा है तो वो आपको सस्पेक्ट कर सकता है कि वहां पे इन्फेक्शन हो चुका है। और आपको एकदम से अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि अगर वो इन्फेक्शन प्रोसीड ज्यादा कर गया तो वो पेशेंट को फ्रैक्चर तो पता चले कब ठीक होगा, उसके साथ साथ ऑस्टियोमायलाइटिस डेवलप हो जाएगा। तो ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए आपको अपने पेशेंट को केयर करनी है। और एक लास्ट चीज आप कर सकते हैं, वो किसी भी कंडीशन में उसको कहते हैं डायवर्जन थेरेपी। क्योंकि किसी को भी चोट लगती है, कोई भी नहीं चाहता है कि वो इंजर हो, उसे पेन हो, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए अगर अब इंजरी हो ही चुकी है तो आप पेशेंट के माइंड को डाइवर्ट कर सकते हो, उसे गेम खिलवाइए और जो भी उसकी हॉबी हो उसको वो कराने में हेल्प कीजिए। और टीवी, मोबाइल और जो भी आप यूज कर सकते हैं, बुक्स आप पेशेंट को दे सकते हैं कि उसका जो माइंड है, जो बेसिकली इंजरी है, उससे थोड़ा दूर हटके अपना माइंड फ्रेश हो सके और उसका टेंशन ना हो बेसिकली उस इंजरी की कब ठीक होगा। तो इस चीज का भी यूज कर सकते हैं, पेशेंट अच्छी तरह हील कर पाएगा अगर वो खुश रहेगा। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। एंड आई होप कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे होंगे। एंड यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक्स अ लॉट।